बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक सवाल था, मैंने सोचा मैं उसकी जो गाइडलाइन है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि बहुत से लोगों का फायदा होगा। सवाल ये है जी कि मेरा जो है BRP कार्ड हैज बीन एक्सपायर्ड एंड आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द रिन्यूअल बट इट विल टेक मोर देन 6 मंथ टू रिन्यू इट। माई क्वेश्चन इज कैन आई ट्रेवल टू अदर कंट्री अब्रोड and I already have bought the tickets and the second question is related to this. So can I pay extra £800 and can I get faster PRP? So this is your question. So देखिए, एक तो ये है कि अब आप का चूंकि BRP कार्ड एक्सपायर हो गया था, ऑब्वियसली वो आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो जब तक आपकी रिन्यूअल होके नहीं आती उस वक्त तक जो है आप ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जो ट्रैवल के लिए मस्ट होता है कि आपके पास वैलिड BRP हो। सो यू हैव टू वेट फॉर होम ऑफिस डिसीजन। जब तक वो नहीं करेंगे आप अब्रोड जो है UK से बाहर नहीं जा सकते हैं। नंबर वन तो ये आ गया। सेकेंड, कैन यू पे £800 एक्स्ट्रा? सो £800 मीन दैट्स द प्रायोरिटी सर्विसेज, एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सर्विसेज, बिकॉज फॉर द प्रायोरिटी सर्विसेज दे चार्ज £500 एंड फॉर एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सर्विसेज दे चार्ज £800। बट कैन यू पे नाउ एंड यू कैन गेट अ फास्टर डिसीजन? द आंसर इज नो। जिस वक्त आप एप्लीकेशन करते हैं एट द टाइम व्हेन यू डू योर एप्लीकेशन, उस वक्त अगर आप वो सर्विसेज जो हैं वो बाय करते हैं प्रायोरिटी सर्विसेज और एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सर्विसेज, सो देन यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अपना एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है फिर आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि जी के मैं अब जो है फास्टर ट्रैक के ऊपर जाना चाह रहे हैं। सो अभी द ओनली ऑप्शन इज यू हैव टू वेट फॉर, जब तक वो फैसला नहीं करते। या ये है कि आप का अगर अब्रोड किसी रीजन से आपका ट्रैवल है तो देन ऑब्वियसली यू हैव अ चॉइस कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको जो है वो चेज कर सकते हैं, आप उनसे उनको बता सकते हैं कि क्या रीजन है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। सो लेकिन जो आपके दो सवाल थे उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय।